पर मौत का डर सताए तुझे, सली पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सली पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, जगत के अंत तक सदा साथ रहने वाले परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं। तेरे कदमों में आकर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, इस भोर के लिए, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवित जगाया, एक मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया, हमारे जीवन में एक नया सवेरा, नया दिन तूने जोड़ दिया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति और जयजयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। जगत के अंत तक सदा साथ रहने वाले परमेश्वर, तो हमें लज्जित नहीं होने देता है, तो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता है, तो हमारे साथ रहता है, और विशेष करके तू हमारी आंसुओं को टूटने नहीं देता, क्योंकि तेरे वचन में साफ लिखा है, मत डर, तेरी आशा फिर कभी ना छूटेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे कहता है, मत डर, तेरी आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आशा और भरोसे के साथ प्रभु के चरणों में आइए, अपने दिन की शुरुआत खुदा से करिए, पिता से करिए, और प्रभु को पहला स्थान दीजिए। मेरे प्रियो, वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। तू लज्जित नहीं होगा, ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, साफ लिखा है, जो उसकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो लज्जित नहीं होता, वो अनादर नहीं होता। मेरे प्रियो, अपना जीवन खुदा के हाथों में समर्पित कर दे, अपना जीवन, अपना कार्य, अपना सब कुछ जितना भी आपके पास है वो पिता के हाथ में समर्पित कर दे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। पहला स्थान प्रभु को दीजिए, आपके जीवन में आपको प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर पिता के वचन में साफ लिखा है, वो हमारे साथ रहता है और वो हमारी मदद करता है। जिन्होंने खुदा की ओर देखा, उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, पिता के प्रकाशन को प्राप्त किया, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो सियोन पर्वत के समान होता है, जो कभी टलता नहीं, वरन सदा 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 बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु कहते हैं, तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, मैं तुझे नाम धराई के बदले तुझे मैं आशीषित करूंगा, तेरे अनादर के बदले तुझे दूना भाग मिलेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, यदि आपकी नाम धराई हो रही है तो प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पित कर दें, आपकी नाम धराई को परमेश्वर पिता दूर करेगा। हो सकता आपका अनादर लोग कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता के हाथों में अपना जीवन दे दीजिए, वो आपके अनादर के बदले आपको दूना भाग देगा, और उस दूने भाग के कारण आप जयजयकार करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड,
प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, और इन वचनों के द्वारा तेरे बेटा बेटी कभी भी लज्जित ना होने पाए। इन वचनों के द्वारा कई लोग आशीष को प्राप्त करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, आपके महिमा के ज्ञान से भर जाए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। और जिनका भी अनादर हो रहा है, जिनका अपमान हो रहा है, जिनकी नाम धराई हो रही है, प्रभु आज के बाद उनकी नाम धराई ना होने पाए, उनका अपमान ना होने पाए, उनका अनादर ना होने पाए, लेकिन अनादर के बदले, अपमान के बदले, नाम धराई के बदले उनको दूना भाग मिलने पाए, और उस दूने भाग के कारण वो जय जयकार करने पाए, और आज के बाद वो कभी भी लज्जित ना होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर दे, आपके अभिषेक से भर दे, आपकी सामर्थ से भर दे। प्रभु आशीषित करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज जिनके पास औलाद नहीं है, पिता परमेश्वर कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी नाम धराई करते हैं, उनका अनादर और अपमान किया जाता है, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता उनके अनादर के बदले धुना भाग मिलने पाए, उन्हें वंश उत्पन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका गर्भ ठहर जाने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु, दया कर प्रभु, उनको वंश उत्पन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। गर्भ ठहर जाए, कंसीव हो जाए यीशु के नाम से। यदि कोई गर्भाशय में बीमारी है तो यीशु के नाम से वो बीमारी खत्म हो जाए, चंगाई को प्राप्त करे, और यीशु के नाम में परमेश्वर वो वंश को प्राप्त करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आशीषित करें खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनाया। पिता परमेश्वर जितने भी आज बीमारी की हालत में है, पिता उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा दूर हो जाए, कैंसर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, टीबी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, और पिता परमेश्वर एचआईवी एड्स की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में आज खत्म हो जाए, सब प्रकार के रोग खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, और उनका कभी भी अपमान ना हो, कभी भी वो लज्जित ना हो, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, कई सालों से बेड पर पड़े हैं प्रभु, उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, और परमेश्वर पिता वो आपके अभिषेक को प्राप्त करे, आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करे, आपके पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। खुदा धन्यवाद, खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए, उनको तनाव से बाहर निकालिए प्रभु, आशीषित कीजिए खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, विशेष करके तू उन्हें लज्जित ना होने दे प्रभु, विशेष करके उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनके कर्ज को खत्म कीजिए, उनकी चिंताओं को आप खत्म कीजिए। जितने भी पिता कर्ज से दबे हैं, उन सारे प्रिय भाई बहनों को शांति और तसल्ली दे, और सब प्रकार की बेरोजगारी, सब प्रकार का कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और आजाद कर दे प्रभु, आजाद कर दे प्रभु। उन्हें अच्छी जॉब लगने के लिए प्रार्थना करता हूं, गवर्नमेंट और लिमिटेड जॉब लगने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता उनके लिए मार्ग तैयार कर, मार्ग तैयार कर, स्वर्ग राज्य खोल दे, स्वर्ग दरवाजे खोल दे, और कभी भी वो लज्जित ना होने पाए, वो कभी भी लज्जित ना होने पाए, वो कभी भी लज्जित ना होने पाए परमेश्वर पिता।
धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, उनको जो भरने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीषित करें प्रभु, आशीषित करें प्रभु। जितने भी तैयारी करें जॉब के लिए पिता परमेश्वर, ने जॉब में तैयारी करने के लिए तू सहायता और मदद कर। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका कॉल लेटर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट अच्छा आने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो जॉब कर रहे प्रभु उनका प्रमोशन हो, प्रमोशन हो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जितना भी बिजनेस कर रहे प्रभु उनका दिन प्रतिदिन बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए प्रभु, बिजनेस बढ़ता जाए, उनकी चिंताएं दूर हो जाए यीशु के नाम से, सब प्रकार के कर्ज खत्म हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनकी तकलीफों को दूर करें, उनकी मुश्किलों को आप दूर करें यीशु के नाम से। आप दया करें, आशीषित करें और उन्हें ऊंचा उठाइए, उन्हें कर्ज से बाहर निकालिए, गरीबी से बाहर निकालिए प्रभु यीशु के नाम से। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनका अच्छा रिजल्ट आने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भर दे, वो भी अच्छे से एग्जाम देने पाए, और जिनका एग्जाम होने वाला है प्रभु उन्हें तैयारी करने के लिए तू मदद कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु, पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भर दे खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जो घर बना रहे प्रभु उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, पैसे कोड़ी का प्रबंध और व्यवस्था करे, समय पर उनका घर कंप्लीट हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जितने भी जवान शादी लायक हो चुके हैं प्रभु उनके लिए जोड़ा तैयार कीजिए, जिस प्रकार तूने आदम के लिए चिंता की, जिस प्रकार आदम के लिए तूने कल्पनाएं की और परमेश्वर पिता तूने कुशल की कल्पनाएं की, उसी प्रकार जितने भी आज जवान लोग हैं प्रभु उनके लिए कल्पनाएं कीजिए, उनके लिए तू चिंता कीजिए, उनके लिए जोड़ा तैयार कीजिए और समय पर उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो पति पत्नी आज अलग अलग रहते हैं उनके जीवन को परिवर्तन कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे और परिवार में घर क्लेश निकल जाए, परिवार में से सब प्रकार का क्लेश वाद विवाद निकल जाए, खत्म हो जाए, और जितने भी घर में जितने भी परिवार में लोग नशा करते हैं, वाद विवाद फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, परिवार में से वाद विवाद लड़ाई झगड़े और सब प्रकार का नशा खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और विशेष करके एक परिवार होने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी एक बार फिर से पिता परमेश्वर एक होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नियां हैं जो अलग अलग रहते हैं और पिता परमेश्वर वो दूर दूर रहते हैं, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ वो एक संग रहने पाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं उन्हें छुड़ा ले प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए, आशीषित कीजिए तेरे लोगों को, तेरे दासों को जेल से बाहर निकाल यीशु के नाम से। और जितने भी तेरे सेवकगण हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा करे, आपकी आराधना करे, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर जाए और तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जिस जहां पर परमेश्वर विरोध चल रहा है प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता आपका कार्य फैलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अधिक से अधिक आपका कार्य फैलता जाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से परमेश्वर पिता मैं उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास वंश नहीं है, उन्हें लज्जित ना होने देना प्रभु, उनका गर्भाशय खोल दे उन बहनों को और पिता परमेश्वर आशीष दे, और जिनके पास जो वो पिता जॉब नहीं है उनको तू आशीष दे, उनकी जॉब लग जाए, चिंताएं दूर हो जाए। जितने भी आज बीमारी के हालत में हैं उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, वो सामर्थ्य को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे। पिता परमेश्वर फिर से जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके समय पर विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
बच्चों को पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भर दे खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच में जो कोई प्रभु पर सच्चे मन से विश्वास करता है उसको परमेश्वर पिता कभी लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर देखा उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया और उन्होंने खुदा के प्रकाशन को प्राप्त किया। इसलिए प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।